वेलकम बैक एवरीवन। इस क्वेश्चन में देखिए एक सर्किट डायग्राम दिया है। क्वेश्चन है कि फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर एंड रेजिस्टेंस आर टू। देखिए ये जो हमारा एमीटर ये है, इसकी रीडिंग चाहिए और हमारा रेजिस्टेंस ये आर टू, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। देखिए एमीटर, एमीटर क्या होता है? एमीटर इज अ डिवाइस विच मीजर्स करंट। एमीटर को किसी भी सर्किट में हम लोग जहाँ पे करंट मेजर करना होता है उसके सीरीज कनेक्शन में जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे R3 रेजिस्टेंस के सीरीज कनेक्शन में हम लोग अमीटर को जोड़े हैं, तो इस ब्रांच में कितनी करंट जा रही है ये हमारा अमीटर उसी को मेजर कर लेगा। हमें निकालना है इस ब्रांच में कितनी करंट जा रही है। देखिए इसमें हमें बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता। मान ली ये बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी से जो करंट ड्रॉन है दैट इज 11 एम्पियर। देखिए इन कुछ पॉइंट का नाम दे दिया जाए। ये मान लीजिए पॉइंट है ए, ये दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी, ई, एफ, जी, एच। हमारा जो रेजिस्टेंस है R1 वो पॉइंट डी और ई के बीच में जुड़ा है, R2 सी और एफ के बीच में जुड़ा है, R3 बी और जी के बीच में जुड़ा है, और हमारी बैटरी ए और एच के बीच में जुड़ी है। लेकिन देखिए ये डी और सी के बीच में कुछ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सी और बी के बीच में कुछ नहीं है, और बी और ए के बीच में कुछ नहीं है। जब दो पॉइंट के बीच में कोई यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब इन सब का पोटेंशियल सेम होगा। इसका मतलब वी ए इक्वल वी बी इक्वल वी सी इक्वल वी डी, इन सब का पोटेंशियल सेम है। ऐसे ही वी ई, वी एफ, वी जी, वी एच, ये सारे लोग का पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब ये लोग अलग अलग पॉइंट नहीं है बल्कि एक ही पॉइंट है। तो इन सब को एक ही पॉइंट में हम लोग जोड़ लें। तो देखिए इसका मतलब ये है कि ये जो इसका मतलब ये है कि ये सब बैटरी से पैरेलल कनेक्शन में है। पैरेलल कनेक्शन में हमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डी ई ये बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी एफ, ये बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी जी, और ये बराबर है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एच, और ये सब बराबर है वी के। ठीक है, अब देखिए वी डी ई हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आई आई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है। तो यहाँ से पहले वी डी ई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डी ई निकालें। तो देखिए वहाँ पे करंट है आई, इसको मान लें, और वहाँ का रेजिस्टेंस है R1, वहाँ का करंट जो आई है वो है 8 एम्पियर और इंटू रेजिस्टेंस है 5 ओम। देखिए पॉइंट डी और पॉइंट ई के बीच में जो करंट है वो है 8 एम्पियर और रेजिस्टेंस हमारा 5, 8 5 40, और पोटेंशियल डिफरेंस है ये है वोल्ट। इसका मतलब ये जो हमारी बैटरी है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट। अब हमको निकालना है रीडिंग ऑफ अमीटर। सिंस वी डी ई बराबर है वी बी जी, सबका पोटेंशियल सेम है, तो वी बी जी की वैल्यू भी कितनी होगी, वो भी होगी 40 वोल्ट। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वी बी जी, बी और जी के बीच का पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कितनी करंट है इनटू यहाँ का रेजिस्टेंस, और यहाँ का रेजिस्टेंस है R3। वी बी जी की वैल्यू रख दीजिए 40, आई यहाँ पे हमको नहीं पता, R3 की वैल्यू देखिए गिवन है 20 ओम, तो आई इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 20, 20 से 40 काट दीजिए, ये आ गया 2 एम्पियर। तो यहाँ पे जो करंट की रीडिंग आ गई है बी जी ब्रांच में दैट इज 2 एम्पियर, और यही हमारे एमीटर की रीडिंग होगी। अब देखिए हमें निकालना है रेजिस्टेंस R2। देखिए रेजिस्टेंस R2 निकालने के लिए यहाँ देखिए करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज 11 एम्पियर, उसमें से इस वाले ब्रांच में चली गई 2 एम्पियर और यहाँ पे गई 8 एम्पियर। देखिए 11 गई थी, उसमें से 2 इधर चली गई, 8 इधर चली गई, 2 और 8 10, इसका मतलब यहाँ वाले ब्रांच में कितनी गई होगी, 1 एम्पियर। तो 2 और 8 10 प्लस 1 एम्पियर की करंट यहाँ जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी एफ, क्योंकि ये सब लोग पैरेलल कनेक्शन में है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी एफ भी होगा 40 वोल्ट, और इसके अक्रॉस जो करंट है वो हमें पता है 1 एम्पियर, तो यहाँ का रेजिस्टेंस हम लोग को निकल जाएगा। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी एफ इज इक्वल्स टू वहाँ का करंट इंटू वहाँ का रेजिस्टेंस। तो देखिए सी एफ में करंट है 1 एम्पियर और वहाँ सी एफ में रेजिस्टेंस है R2, यहाँ पे है रेजिस्टेंस R2, यहाँ पे करंट की वैल्यू है 1 एम्पियर इंटू R2 ही निकालना है। हर पॉइंट के बीच में पोटेंशियल सेम है इसलिए वी सी एफ की वैल्यू भी 40 वोल्ट होगी। तो 40 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू R2, तो R2 की वैल्यू हो गई 40 ओम। तो ये आ गया हमारा करंट 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस आ गया 40 ओम।